नमस्कार, मैं उषी गास्त्रा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत में ईडी से रिलेटेड अभी खबरें थोड़ी सी थम गई थी बीच में, क्योंकि अभी बहुत लोगों को समन नहीं किया जा रहा था, लेकिन जीएन भारत है जिन्होंने लगातार आपको हर खबर, छोटी से बड़ी खबर ईडी की आपको दी है। और साथ ही हमने आपको बताया था कि प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ चल रहा है। आपको बता दें, पिछले 15 दिन से लगभग हर दिन प्रेम प्रकाश को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। आपको बता दें, खनन का जो मुद्दा था और इसके साथ ही जो राजनीति और परिवहन का जो एक सिंडिकेट है, उसका हेड, उसका माफिया बताया जा रहा था प्रेम प्रकाश को। इसको लेकर मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगी कि जरा ईडी को दिखाए। जी हाँ, ईडी जो है पिछले हम ईडी के जस्ट दफ्तर में ही खड़े हैं और इसी ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश भी मौजूद है, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, इतना लंबा पूछताछ अभी तक शायद किसी से चला होगा जो प्रेम प्रकाश से चल रहा है, क्योंकि प्रेम प्रकाश यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और सूत्रों के हवाले से, जो अंदर से ईडी कार्यालय से जो सूत्र के हवाले से जीएन भारत को खबरें आ रही है कि प्रेम प्रकाश जो है वो असली सिंडिकेट है, वो असली माफिया है, एक कड़ी है वो। जी हाँ, सत्ता गलियारे से लेकर बिजनेस टाइकून्स और साथ ही एक पूरे के पूरे एक जो सिंडिकेट है आपस में, जो नेक्सस कहते हैं बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का, आपस में जो एक नेक्सस होता है, उस नेक्सस के बीच का जो एक कड़ी होता है जो लॉक करता है दोनों को, जो जोड़ता है, एक पुल है, ब्रिज, वो ब्रिज है प्रेम प्रकाश, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। इसलिए जब ये ब्रिज को, एक इस पुल को, इस कड़ी को ही ईडी ने अपने हाथ में लिया हुआ है 15 दिन से और सारी जानकारियाँ निकालने की कोशिश कर रही है। अब जो नया खबर आया है वो बहुत चौंका देने वाला है और ये खबर खुद राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन से रिलेटेड है। खबर ये है कि खुद सीएम हेमंत सोरेन के जो सीएमओ ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ से एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कॉल किया था, जी हाँ, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, और उनको कहा गया था कि आपको हेमंत सोरेन का ये रिपोर्ट है और इसको, खनन मामले का रिपोर्ट को आपको मंजूरी देनी, यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस देना है। जी हाँ, यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईडी का ऐसा अनुमान है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने किसी आदमी या बड़े ऑफिसर का को यूज़ करके प्रभावशाली तरीके से फ़ोन करवाया परिवहन विभाग को, माफ़ कीजिएगा, एनवायरमेंट विभाग को, और वहाँ से मंजूरी दिलाई। आपको बता दें, उस इंसान ने फ़ोन किया और 2 दिनों के अंदर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, कि अगर आप खनन लीज और माइनिंग का आप करते हैं कोई भी काम, तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा पास हो ही नहीं सकता, ऐसा पट्टा आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो गई, 14 मार्च 2021 को सीएम हेमंत सोरेन ने गाँव में, और गाँव के कुछ लोगों ने, अगनबड़ा गाँव के कुछ लोगों से समझौता किया था और मात्र 19 सितंबर, 6 महीने के अंदर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेकर उनको पट्टा मिल जाता है। यानी उनके कॉल करने के, आपको पता है 17 सितंबर 2021 को कॉल किया गया था सीएमओ ऑफिस से एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पे, और महज 2 दिन के अंदर डीएमओ ने सारी जांच पूरी कर ली, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया, यानी 4 दिन के अंदर उनको पूरा का पूरा लीज मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब जैसे खुद सीएम हेमंत सोरेन के बारे में जब ये बातें सिलसिलेवार तरीके से निकल के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य के सीएम की मुश्किलें कहीं ना कहीं ये बढ़ती नजर आ रही है। जैसा कोर्ट लगातार उनको समन भेज रहा है, वो पेश हो नहीं पा रहे हैं, कोर्ट ने भी उनको 30 जून का लास्ट आखिरी मौका दे रखा है। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। और इसके साथ ही हमने बीजेपी का इसमें स्टैंड जानने की कोशिश की, आइए सुनते हैं बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा जीएन भारत से। नहीं देखिए, ये रांची पुलिस और होम सेक्रेटरी के बीच में जो अब शोकॉज और जवाब का खेल चलेगा, ये पूरे तरीके से 10 जून को जो रांची में हुआ, अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, जिस तरीके से निर्दोष राहगीरों को टारगेट किया गया, पुलिस कप्तान को पत्थरों से पीटा गया, पुलिस कर्मियों को गोली मारी गई, उससे ये ध्यान हटाने की साजिश है। और हम मानते हैं कि ये शोकॉज, जवाब, ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि एक नया एजेंडा सेट हो सके और लोग उसी पर चर्चा करें। समझना चाहिए कि वो संविधान की रक्षा के प्रति शपथ लेते हैं, कानून का राज स्थापित करने के लिए शपथ लेते हैं, उन्हें किसी दल के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेम प्रकाश से जो पूछताछ चल रही है, इतने और भी डीएमओ को, आपको हमने बताया था कि जमशेदपुर के डीएमओ को समन किया गया, वो आए हैं, पूछताछ भी हुई है, लेकिन उनको फिर से समन किया जा सकता है, ये हवाले से खबर है सूत्रों के हवाले से। और पूजा सिंगल केस में फिलहाल अपडेट यही कि 22 जून को हो सकता है उनकी जमानत भी हो सकती है। फिलहाल इस अपडेट के साथ अपने बात को हम समाप्त करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।